رحم الله من قرأ الفاتحة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتق صاحبة ولا ولد ولم يكن وهو كفوا احد الصلاه والسلام على النبي المحمود العامد والحامد المحمود الواصل الى ما لا وراءه حد محدود النذير المؤيد والبشير المصدد والسيد الممجد ابي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصفيه وخليفته وصاحب حوزه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والمنصوص بذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين نبي الحسنين علي بن ابي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومقلب دينهم وأعداء عليين وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عاشقان أهل بيت کے درمیان ان عزاداروں کے درمیان ان تولائیوں تبرائیوں کے درمیان ان طاہرین کے درمیان ان حلالیوں کے درمیان ان منکران سیرت شیخین کے درمیان محمد وال محمد میں شہداء کربلا کے آ چکے ہیں ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں نزل فضائل سکون حسین یعنی سکینہ بنت الحسین کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے سر الاسرار کا وسیلہ دیتے ہوئے درود کا تحفہ پیش کر دیں ارباب کرم اہل علم حضرات اہل ذوق حضرات آج میں جو بھی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل آپ حضرات کی خدمت میں دس بستہ خادم کا
ये मारूजा है कि कोई जुमला मेरा रायगां होने न दे, जुमला नहीं बल्कि कोई लफ्ज़ भी रायगां होने न दे, कोई लफ्ज़ भी नहीं एक हर्फ भी रायगां होने न दे, चाहे कबूल करें चाहे कबूल न करें, कबूल करने की खातिर या एतराज करने की खातिर, मगर मेरा कोई एक लफ्ज भी एक हर्फ भी जाय होने न दें, इंशाल्लाह ताला लुत्फ कलाम आएगा। क्योंकि हम चाहदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुखल्लदीन हैं, हम उन्हीं की तखलीद करते हैं, उन्हीं के अखवाल पर अमल करते हैं। चुनाचे इरशाद मासूम है, कैफा युबत मन लम युरफ, तुम उसकी इबादत कैसे करोगे जिसकी मारफत नहीं। जैसे जैसे अय्याम बदलते जाते हैं तो देखा जाता है कि यकुम माह मुहर्रम को फर्श अज़ा बिछाए तो यकुम माह मुहर्रम को सफर का जिक्र होता है कि हुसैन का सफर कैसे हुआ, जब दो मुहर्रम को फर्श अज़ा बिछती है तो दो मुहर्रम को हम जिक्र करते हैं कि हुसैन वारिद करबला हो गए, जब तीन मुहर्रम आती है तो उसमें जिक्र हजरत मुस्लिम होता है, कहीं फरजंदा ने मुस्लिम का जिक्र होता है, चार मुहर्रम आती है तो कहीं हबीब का जिक्र, कहीं हुर का जिक्र, कहीं औन का जिक्र, कहीं मोहम्मद का जिक्र, और जब पांच मुहर्रम आती है शहजादे अली अजहर का जिक्र, जब छह मुहर्रम आती है तो शहजादे अली अकबर का जिक्र, जब सात मुहर्रम आती है तो शहजादे कासिम का जिक्र होता है, जब आठ मुहर्रम आती है तो सखाए हरम का जिक्र होता है, जब नौ मुहर्रम आती है तो हुसैन का जिक्र होता है। अब ये वो अय्याम है जिसमें सकीना का जिक्र है, तो सकीना का जब जिक्र आप सुन रहे हैं, और अगर ये इबादत है तो बगैर मारिफत इबादत नहीं है, तो पहले ये गौर करें, ये समझें, ये तस्लीम कर लें कि सकीना की अजमत क्या है, खदर मंजिलत क्या है, ये सकीना की कुदरत कितनी है। क्या कह रहा हूं, सकीना की कुदरत, सकीना के इख्तियारात कहां, और ये देखा जाता है कि इख्तियारात कहां कहां तक है। क्या कह रहा हूं, क्या मारूजा कर रहा हूं, कि ये भी देखा जाता है कि जैसे कि एक रबुद्दार होता है, एक रबुद्दार यानी एक घर का भी रब होता है, तो उसके इख्तियारात उसके घर तक है, महदूद है, महदूद हैं। तो पता चला भाई अपने घर में अपने इख्तियारात, अब अगर सरबराह ममलिकत है तो उसके इख्तियारात ये सारी ममलिकत पे होंगी। ये आम सी बात है, बिल्कुल दो दो चार वाली बात गुफ्तगु कर रहा हूं मैं। तो अब ये तय करना है कि हम किसका गम मना रहे हैं, क्या है अजमत सकीना, क्या है खदरो मंजिलत सकीना, और क्या है इख्तियारात सकीना। दुरुद का तोहफा पेश करें बाबा जमला में, आप हजरात की बेदारियों को, आप हजरात की बेदारियों को आजमाने की खातिर यहां पर और एक जुमला कहना चाहता हूं। हर कौम, हर मजहब, हर फिरका, हर मजहब, हर कौम, हर फिरका, उसकी यह ख्वाहिश होती है कि हमारा हादी, हमारा रहबर, हमारा सरबराह अनोखा हो, आला हो, बरतर हो। क्या कहने जा रहा हूं, पहुंच जाएं आप हजरात, कि हर कौम यानी हर कौम का एक एक फर्द है। इस वक्त मुझे फिरकों के झगड़ों में जाना नहीं है, जितने भी फिरके हैं, 73 फिरके हुआ करे, 73 फिरके, इन 73 फिरकों का एक शख्स वाहिद ही क्यों ना हो, शख्स वाहिद भी ये चाहता है कि हमारा पेशवा, हमारा रहबर, हमारा हादी सबसे अनोखा हो, सबसे बरतर हो, सबसे आला हो। अकलमंद ये तलाश करेगा है हादी कैसा है, रहबर कैसा है। तो चुनाचे
यही सबब है कि हमारा फिरका हमारा हम अपनी गुफ्तगु कर रहे हैं, दीगर की क्यों गुफ्तगु करें, मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम हमारा भी एक फिरका है। हमारा फिरका वही फिरका है जो पैगंबर इस्लाम हम तक पहुंचाए। तो हम जानते हैं कि हादी किसको बनाए, रहबर किसको बनाए और सरबराह किसको बनाए। सबसे अनोखा हो, सबसे आली हो, सबसे बरतर हो, ताकि एक दूसरे फिरके से जब गुफ्तगु करें तो ये कह सकते हैं कि हमारा सरबरा, हमारा हादी, हमारा रहबर, हमारा रहनुमा, हमारा सरदार ऐसा है कि उसकी सरदारी खुदाई की हुकूमत। क्या कह रहा हूं, ऐसे को बताओ कायनात में कोई एक ऐसा हादी है, एक ऐसा हादी है, चाहे मौलवी हो या मौलाना हो या मुल्ला हो या अल्लामा हो या मुस्तहिद हो या आलम दौरा हो, तो इनको भी रहबर मान रहे हैं, इनको भी हादी। याद रखें, मोहताज कभी रहबर नहीं होता, मोहताज कभी रहबर नहीं हो सकता। हां, रहबर वही हो सकता है जो समद हो। हादी सरदार, और इत्तेफाक की बात यह है, मजहब को तय भी नहीं किए, जब दुनिया से उड़ गए, सबकी तलखीन पड़ी जा रही है, सबकी तलखीन। वो सादती वो खादती, कौन है जी सरदार, कौन है आपका खायद? जिंदगी तमाम तो आप एक्स को अपना खायद माने, सरदार माने, उसको फला हमारे रहबर है, रहबर इनकलाब इस्लामी। याली यही जुमला है, काफी है, रहबर इनकलाब यानी इस्लाम में जो इनकलाब लाए। भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूं, अहले इल्म हजरत तशरीफ फरमाए, जरा आप समझा दे मुझे कि कैसा रहबर है जो इनकलाब लाया। मुझे नहीं मालूम, मैं एक ला इल्म हूं, एक जाहिल हूं, अहले इल्म के दरमियान गुफ्तगू कर रहा हूं, मौला का वास्ता मेरी इसलाह कर दें। रहबर इनकलाब इस्लामी, रहबर इनकलाब इस्लामी यानी ऐसा खायद जो इनकलाब लाया। शायद यही तर्जुमा होता है, ऐसा रहबर, ऐसा खायद जो इनकलाब लाया। काहे में? इस्लाम में। इस्लाम में कौन से इस्लाम में? कौन से इस्लाम में? जैसे ही ऐलान वलायत हुआ, जैसे ही ऐलान वलायत हुआ, मखलूत मजमे में हुआ, मखलूत मजमे में हुआ। इत्तेफाक की बात यह है, उस मजमे में हजबना वाले भी थे, उस मजमे में दो पर अमल करने वाले भी थे, और पैगंबर इस्लाम खजावों के मिंबर से ऐलान कर रहे हैं, मन कुंतो मौला फहाजा अलीयन मौला, खुदा को ये अमल हबीब खुदा का बहुत पसंद आया। हबीब, अब इस खौलो फ्रेलो अमल के बाद अब कोई हुक्म नहीं। ए मेरे हबीब सुन लो, तुम ऐसा ऐलान किए हैं जिसके सबब इस्लाम मुकम्मल होता है। अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रजीतु लकुमुल इस्लामा। आज के दिन खुदावंदे आलम इस इस्लाम से राजी हुआ, जिस इस्लाम से खुदा राजी हुआ उसमें इनकलाब बर्पा करने वाला, उसमें
इंकलाब बर्पा करने वाला ये रहबर है। अरे ये कैसा रहबर है? अरे रहबराने कौम, अरे रहबराने मिल्लत, ए कायदीन मिल्लत, ए कायदीन कौम। अरे काश के जाहिल से बात कर लेते। तुम तो कायद है ना, रहबर है। क्या है? कायद, सैयद और सरदार, पूरी कौम के सरदार हैं। मगर ये ऐसी कौम है जिसका सरदार खुद नाअहिल है। ऐसी कौम जिसका सरदार, इस मिंबर पर पता नहीं कौन कौन आते हैं, इस मिंबर पर पता नहीं कौन कौन आते हैं। मैं जानता हूं, शायद आप जानते हैं या नहीं जानते, मैं जानता हूं, नाम भी कह सकता हूं, नाम भी कह सकता हूं। साहिबा ने मिंबर से करो, मिंबर पर बाद में आओ, पहले मजहब तो तय करो। जब मजहब तय हो जाएगा तो अस्तुत कायद तय होगा, सरदार तय होगा, रहबर तय हो जाएगा कि किसको रहबर बनाना चाह रहे हैं, किसको रहबर बनाना चाहिए। अरे खबर में लिटाने के बाद 14 का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है, किताब खुदा का जिक्र है, काबे का जिक्र है, मासूमीन का जिक्र है, उसके बाद कहते हैं यही सरदार है। जिंदगी तमाम तो किसी और को सरदार माने, आखिरी वक्त तालीम दी जा रही है जो जिंदगी तमाम नहीं समझा, जिंदगी तमाम जो नहीं समझा कि रहबर किसको बना। अगर अकल होती तो समझते, अगर अकल होती। इसीलिए कहता हूं ये उसूली कौम यतीम कौम है। खूब कहा शमशाम मलिक गौहर ने, क्या खूब कहा शमशाम मलिक गौहर ने, पता नहीं किसको पेशे नजर रख कर कह दिया, वो और होंगे यतीमान मजहबो मिल्लत, और होंगे यतीमान मजहबो मिल्लत, हमारे सर पर हमारा। अरे क्यों नहीं पूरे मिसरे पढ़ दूं, वजूद हक से ये सारा निजाम कायम है, वजूद हक से ये सारा निजाम कायम है। याद रखो हलालियो, अगर इमाम का कदम जमीन से उठ जाए, इमाम का कदम अगर जमीन से एक लम्हे के लिए भी उठ जाए तो ये जमीन मुश्क हो जाए, खत्म हो जाए। तो शायद इस शायर का ये कहना है कि वजूद इमाम से, वजूद इमाम से ये सारा निजाम, ऐसे को रहबर बनाओ जिसकी हुकूमत सिर्फ अर्ज पर नहीं, जिसकी हुकूमत लफ्जों की कदर करना, जिसकी हुकूमत सिर्फ अर्ज पर नहीं, जिसकी हुकूमत दोषो पैगंबर पर भी होती है, जिसकी हुकूमत अर्श पर भी रहती है, जिसकी हुकूमत हर आसमान पर होती है, ऐसे को रहबर बनाओ। गुरु के दो आवेश करो बाबा, मिसरे सानी वजाहत कर रहा है मिसरे उला की, वजूद हक से ये सारा निजाम कायम है। किसी के फैज से ये सारा निजाम, किसी के फैज से। यकीनन शायर का तो यकीदा होगा ना कि अल्लाह था, है, रहेगा। तो यहां पर किसी से मुराद कौन है, किसी से मुराद कौन है? कहना होगा चाहते रब को पेशे नजर रखकर, मकसद खुदा को पेश नजर रखकर, यानी अली को पेश नजर रखकर, इमाम को पेश नजर रखकर। ये कह रहा है किसी
इस किसी में आइमा है, किसी के फैज से ये इंतजाम कायम है, किसी के फैज से। अब इनका फैज कैसा, देखो हमारा रहबर, देखो हमारा हादी। हम सीना तान कर कह सकते हैं, हर मजहब में हर फिरके में बैठ कर कह सकते हैं, हमारा हादी वो है जिसको खल्क करके खुदा नाज किया है। अब तुम्हारे घर बच्चा, अरे याद रखो यार, हमारा रहबर वो है, हमारा रहबर वो है जाहिर होते ही अल्लाह का, अल्लाह की बोली बोलता है, अल्लाह की बोली बोलता है। तुम्हारा रहबर जानवर की आवाज, जानवर की आवाज निकालता है। कितना बड़ा फर्क हो गया, कितना बड़ा फर्क। और वो भी अल्लाह की बोली उस वक्त बोलता है जब देखा कि अकले कुल है। अब देखा अखले कुल है तो उस वक्त बोलता है, अगर अखले कुल ना, नहीं 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 पहुंचाऊंगा पहुंचाऊंगा। अरे दोस्तों, जब अली वली अपने घर में जाहिर हुए, जाहिर हुए, जाहिर हुए, तो बताओ मुझे क्या वहां फातिमा बिनते असद थी या नहीं? फिर तिलावत क्यों नहीं किए, तिलावत क्यों नहीं किए? तो पता चला अली को इंतजार था अपने निस्फ नूर का, अली को इंतजार था अक्ल कुल का। जब अक्ल कुल आए और जब पैगंबर इस्लाम 30 बरस से अपने दिल में जो हसरत लिए मदीने की गलियों कूचों में फिर रहे थे, दिल में हसरत लिए, वो तो खल्ब पैगंबर था तहम्मुल कर सका, अगर किसी और का खल्ब होता तो फट जाता, फट जाता। तो चुनाचे उनके खल्ब में जो था आगोश में लेने के बाद ये कहने लगे, ऐनुल्ला वजुल्ला जम्बुल्ला नफसुल्ला यदुल्ला खलबुल्ला अल्लाह अल्लाह याला याला याला। दुरुद पढ़ो बाबा दे बलान, घबराओ नहीं। खुदा सलामत रखे, खुदा बादशाह रखे, किसी के फैज से, किसी के फैज से ये इंतजाम कायम है। वो और होंगे, वो और होंगे, यतीम आए मजहबों मिल्लत हमारे सर पर। इसलिए हदीस में है, हदीस में है कि जब 12वें इमाम का नाम आए, सर पर हाथ रखो। ये इमाम का भी अमल था, आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम का भी अमल था। जो हजरात के जियारत पढ़ते हैं, जब इमाम जमाना को सलाम करते हैं तो सर पर हाथ रखना। सर पर क्यों? यतीमों के सर पर कुछ नहीं रहता। क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, जो यतीम है, जो यतीम है। भाई दौरे मां सबक में हम अपने बुजुर्गों से ये सुनते हुए आए हैं कि हर 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 बच्चा सर पर टोपी पहनता था, अगर टोपी उतरे तो समझते थे शायद यतीम है। मगर देखा ये जा रहा है, यतीम लोग जब नमाज के लिए ठहरते हैं उस वक्त टोपी पहनते हैं, उस वक्त सर पर अगर टोपी नहीं है तो कम से कम दस्ती बांधते हैं, दस्ती बांधते हैं। जब हम ये देखें कि ये टोपी की निस्बत इनसे हो गई, हमने कहा कि नहीं, हमें वो टोपी नहीं चाहिए, जायद, वो जायद नहीं चाहिए। हमारे खालिक ने हमको एक हाथ दिया है, हाथ दिया है, हम खुद सर पर हाथ रख लेंगे। और होंगे यतीमाने मजहबों मिल्लत, हमारे सर पर हमारा इमाम
याद रखो शियो, अगर शिया हैं तो ये जुमला काफी है, इमाम के रहते हुए फिर ये नायब क्यों? इमाम के रहते हुए फिर ये नायब क्यों? इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इमाम के इमाम 12 है 13 नहीं, इमाम 12 है 13 नहीं। अब तो खयामत बरपा हो गई, आज से तकरीबन 3 रोज कबल के अखबार में हमारे उसूली भाइयों के जो इमाम लेटेस्ट बने हैं उनको अमीरुल मोमिनीन लिख दिया गया। अमीरुल अखबार में आया है, अखबार में आया है। मैंने कहा तो कुछ हमारे लोग बरहम हुए, अरे नहीं बरहम मत हो, बरहम मत हो, होने की बात नहीं है। अरे जवाब मुझसे सुनो, हर एक का जवाब रखता हूं। भाई इसी और फिरके में भी कोई अमीरुल मोमिनीन बोले गए, बोले गए। अब हम उनका नाम भी लेना नहीं चाहते, वजू बातिल हो जाएगा, वजू टूट जाएगा। मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, नाम भी नहीं लेना चाहता, तो चुनाचे उनको भी अमीरुल मोमिनीन कहा गया। अब इस फिरके में भी कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं था, कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं था, इजमा करके एक को अमीरुल। दुरूद का तोहफा पेश करो बाबा आज़ाद बलाल। बात वाजे हो गई। अनोखा हो रहबर, निराला हो रहबर, सबसे आली हो रहबर। रहबर उसको बना, उसको बनाओ, रहबर उसको बनाओ जिसके सामने अखले कुल सजदा कर दे। आ कह रहा हूं उसको बनाओ रहबर जिसके सामने अखले कुल। रहबर जब आ जाए तो हबीब के बदन में लड़ना पैदा हो जाए। रहबर उसको कहते हैं जिसको अजीम कहते हैं, रहबर उसको कहते हैं जिसको आला कहते हैं, रहबर उसको कहते हैं जो अल्लाह हो अकबर होता है। दूर के दो वापिस करो बाबा, बात यह है कि फी जमाना ये अंजुमने ग्रोह हमारे नौजवानों के अकायद को खराब कर रहे हैं। वजह बताऊं। अभी इत्तेफाक की बात है, वहां बैठा था, एक मजलिस हो रही है, छह ग्रोह को क्यों दावत दी गई? मातम का ताल्लुक किसी ग्रोह से नहीं है, और याद रखो अगर है तो एक ही ग्रोह से है, वो ग्रोह है शिया है। नहीं सिर्फ शिया कह दूं तो कह देंगे हम भी हैं, नहीं उस ग्रोह को शियाने अली कहते हैं, उस ग्रोह को शियाने अली कहते हैं, एक ग्रोह। तो पता चला कि आप भी हुसैन का मातम कर रहे हैं, आप भी हसन का मातम कर रहे हैं, आप भी अली का मातम कर रहे हैं, आप भी सकीना का मातम कर रहे हैं, जैनब का मातम कर रहे हैं, इला आखरे इनका मातम कर रहे हैं, तो हम भी उसी का मातम कर रहे हैं। तो फिर ये ग्रोह क्या मतलब? ये ग्रो क्या माने? मगर हुआ क्या, ये अंजुमने ग्रोह देखते हैं कि जाकिर मसायब पे आया, हम मसायब पे आया, चलो अपना काम है महतम कर दे। मगर वो बच्चे नावाकिफ हैं फर्श अजा की अजमत से, नावाकिफ जाकिर की अजमत से, नावाकिफ फर्श अजा की अजमत से, नावाकिफ रुख जो तकसीम किया जाता है इसकी इल्लत क्या है, इससे नावाकिफ। मिंबर क्यों रखा जाता है, इसकी इल्लत से नवाकिफ। बरसरे मिंबर जाकिर जो कह रहा है उससे नवाकिफ, उससे नवाकिफ। वो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हमारा काम है मातम
मातम उस वक्त तक नहीं कर सकते मातम अगर इबादत है मेरे मजहब में वही इबादत है और याद रखो उस वक्त तक हमारा दिल सैर नहीं होता जब तक के इससे खून न निकले जब खून निकल जाए अब हम मुतमईन होते हैं चलो ये खून सैयद हो कि गैर सैयद हो जो भी हो हुआ करे ये खून उस खून में मिला जिसके खून का बदला अल्लाह है इसके खून का बदला अल्लाह है तो अब हम मुतमईन हो गए नहीं नमाजों के जरिए रोजे के जरिए हज के जरिए बख्शाइश नहीं है नहीं है खुरबतन इल्लाह कहना और है हमारा खून वहां जज्ब हो जाना और है हमारा खून वहां पर जज्ब हो जाना और है देखो इतने अंजुमने बनाने वालों सिर्फ तुम ये चाहते हैं कि बानी मल्लिस तुम्हारा मोहताज रहे बानी मल्लिस हमारा मोहताज रहे ये हम आए तो मजमा रहेगा अगर हम ना आए तो मजमा नहीं रहेगा वो मजमा किस काम का वो मजमा किस काम का जो आरिफ नहीं जैसे कि मैदान गदीर में बड़ा मजमा था कितना बड़ा मजमा था सवा लाख का मजमा था सवा लाख का वो मजमा किस काबिल आज तक इनकार करने वालों पर हर साहिब अकल लानत पड़ रहा है हर साहिब अकल लानत पड़ रहा है इकरार करने वाले 18 थे इनकार करने वाले अल्लाह अकबर यानी 1,00,000 के ऊपर थे 1,00,000 के ऊपर थे तो पैगंबर इस्लाम नहीं खुदा ये चाहा खुदा ये चाहा अब फिल वक्त यहां 1,00,000 से जायद बेनकाब हुए हैं 1,00,000 से जायद बेनकाब हुए हैं तो चुनाचे पैगंबर इस्लाम एक और हम पर वाजिब करार दे दिए फल्युबल्लिग शाहिद वल गायब या रसूलल्लाह ये क्यों बेनकाब करने के लिए बेनकाब करने के लिए मुनाफिकीन बेनकाब होते हैं तो जिक्र अली से जिक्र अली से जिक्र अली छेड़ते ही समझ में आता है और हमारी तो आदत ही है छेड़ कर देखने हम अपनी फितरत से नहीं बदल सकते फितरत में है हमारी फितरत में है क्यों क्यों ये हमको इबादत करना है हमको इबादत करना है नजासत अगर लग जाए तो इबादत कैसे नजासत लग जाए तो इबादत कैसे इसीलिए अब हम चाहते हैं पहले तबर्रा करें अब तबर्रा करते ही जिसके दिल पर चोट लगी अस खुद उठ जाएगा जैसे ही उठा समझ जाना नजासत गई जब नजासत गई अब जिक्र अली करो लुत्फ आएगा जूम कर दुरूद का तोहफा पेश करना बाबा आगे बढ़ा ये मेरी आधे घंटे की गुफ्तगू तकरीबन हां आधा घंटा हुआ ये इस मेरी गुफ्तगू को हर एक तक पहुंचाओ कि भाई हर एक की ख्वाहिश होती है ना आप भी अरे भाई खादिम यहां तक देखा है करबलाए मौला की बात है यहां तक देखा है जब उनके आयतुल्ला की गाड़ी आई सवारी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं सवारी को चूम रहे हैं बखुदा अपनी आंख से देखा हूं आंख से देखा हूं जिसके लिए फना है सुनो हमारा रहबर ऐसा है जिसकी सवारी पैगंबर है हमारा अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि रसूल का सीना कुशादा हुआ था
رسول کا سینہ کشادہ اللہ نے کیوں کیا؟ اعلان ولایت کے لیے میں ایسے کو رہبر بنایا میرا سینہ کشادہ ہوا. علم نشرح لک صدرک، میں نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا. اچھا ان کا سینہ کشادہ کیا تھا اعلان کے لیے، ہم اقرار کیے ایسے کو رہبر بنائے، ایسے کو رہبر. ارے خدا کی قسم، رہبر حقیقی وہی ہو سکتا ہے جو دو کی رہبری کرے، ایک حبیب خدا کی دوسرے خدا کی. ہاں کہہ رہا ہوں انہر آلواری، ہم مرلہ کر رہا ہوں. رہبر کس کو کہتے ہیں؟ رہبری کرنے والے کو، رہبری کرنے والے کو. ادھر حبیب خدا کی رہبری، اس کا تعارف کرا دے، ادھر خدا کا تعارف کرا دے، ادھر خدا کا تعارف کرا دے، اور اپنے کو نہ نبی منوائے نہ خدا منوائے. یہاں تو منوانے کی خاطر پیسے تقسیم ہو رہے ہیں. بھائی ہم کو نائب امام مانو، ہماری تخلیق کرو، اتنے پیسے لو، اتنے پیسے. پوچھے جس وقت بھی حیدرآباد دکن خطیب الایمان کے فرزند ذاکر اہل بیت مولانا سید عابد جرولی صاحب جب آئے، ان سے پوچھو ان کے وطن میں کتنے پیسے تقسیم کیے گئے برائے تخلیق. یاد رکھو پیسوں کے ذریعے جو تخلید ہوتی ہے اس وقت تک وہ تخلید ہے جب تک کہ پیسے ہیں. ہم اس کی تخلید کر رہے ہیں، ہم اس کی تخلید کر رہے ہیں جس کی تخلید حبیب خدا کی ہے. اس کی تخلید حبیب، یہی باتیں ہیں جس کے سبب نہ کوئی علامہ راضی ہے مجھ سے بات کرنے، نہ کوئی مولوی ہے مجھ سے بات کرنے، نہ کوئی مجتہد العصر. عصر عصر عصر، اللہ اکبر، نہ وہ ہے کوئی نہیں ہے. یتیم قوم ہے، یتیم قوم ہے. اب تو یہ نوبت آ گئی ہے، اب تو یہ نوبت آ گئی ہے. اخباری مرسے خان ہے، بائیکاٹ ہوا تھا، ہوا تھا بائیکاٹ، کیے تھے نا بائیکاٹ کیے تھے. پھر وہ بائیکاٹ کہاں گیا؟ اب پھر اب اخباری مرسے خان کو کیوں پڑھا رہے، کیوں پڑھا رہے؟ یا وہ اصولی کرا تو مجھے اطلاع دو، میں اپنے پاس نہیں پڑھاؤں گا. نہیں وہ جہاں پڑھے گا میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا. اگر ہمارے پاس کا کوئی مرثیہ خان اپنے آپ کو اصولی بولا وہاں پڑھنے کی خاطر، تو خدا کی قسم میں اس مجلس میں ذکر نہیں کروں گا، نہیں میں نہیں کروں گا. ہم ان سے سوال ہے بہت اکڑ رہے تھے، بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ، کیا ہوا تمہارا بائیکاٹ، کہاں گیا تمہارا بائیکاٹ، اب کیوں نہیں، اب کیوں چاہ رہے ہو، کیوں ہمارا مرثیہ خان، کیوں ہمارا نوحہ خان؟ تو پتا چلا آپ کے پاس کمی ہے، یا یہ ہے کہ عزاداری نہیں ہے. سنو، میرا قافلہ چلا، اثناء راہ میں کچھ ایسے بھی ملے کہ جو زینب کو پرسا دینے آئے. زینب نے کہا نہیں، تمہارا پرسا رو رہے ہیں مگر نہیں چاہیے. پرسا صرف یہ کتابوں کی حد تک مت محدود کرو، ان واقعات کو رکھو، ہاں بلکہ اس پر عمل کرو کہ دیکھو کہ زینب کہاں خوش ہوتی ہے. اب یہاں پر اس مجلس میں علی بھی بے چین ہے، حسن بھی بے چین ہے، فاطمہ بھی بے چین ہے، رباب بھی بے چین ہے، حسین بھی بے چین ہے کہ آخر یہ ذاکر میری بیٹی کے کیا فضائل پڑے گا. اب ان کو سنانا ہے،
क्या है अजमत सकीना, क्या है वखार सकीना, क्या है कुदरत सकीना, क्या है इख्तियारात सकीना। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की इताअत करो। हुक्म रब्बानी है, किसकी इताअत करो? अल्लाह, रसूल और उलुल अम्र की इताअत करो। मगर देखा यह जा रहा है कि कई एक ऐसे वाकयात पेशे नजर हैं कि जहां पर रसूल भी बहुक्म खुदा उलुल अम्र की इताअत करे। जैसे फिल वक्त एक वाक्य को काफी जानो, पैगंबर इस्लाम इताअत खुदा में सजदा कर रहे हैं, इताअत खुदा में सजदा कर रहे हैं, हबीब खुदा का सजदा, अक्ल कुल का सजदा, कामिल का सजदा, या यूं अर्ज करूं नमाज का सजदा, सलात का सजदा है। इसी असना में हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, यानी उलुल अम्र की मिज़दाक पुश्त पर बैठी, जब पुश्त पर बैठी तो खुदा कह रहा है नहीं उतरना, नहीं उठाना सर, सर नहीं उठाना। इताअत वाजिब हो गई, किसकी? अल्लाह की नहीं, क्योंकि अल्लाह अपने इख्तियारात, अल्लाह अपने इख्तियारात हुसैन के हवाले कर रहा है। देखो अब तुम सर उस वक्त तक नहीं उठाना जब तक के हुसैन, तो अब रसूल पर वाजिब हो गया इस बात के मुंतजिर रहे कि जब तक के उलुल अम्र मेरी पुश्त से न उतरे मैं सजदे से सर नहीं उठा सकता, क्योंकि मुझ पर अब इताअत हुसैन की वाजिब हो गई। तो पता चला वाजिब में हुसैन वाजिब बनकर, वाजिब में हुसैन वाजिब बनकर दाखिल हो गया। और वो वाजिबुल वजूद, वो वाजिबुल वजूद इस वजूद के हक में विड्रा होकर ये कह रहा है कि देखो हम मेरा इख्तियार नहीं, दूर के तो वादेश करो बाबा दे बोला। सुने सुने, अतीउल्लाह वअतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलुल अम्र की इताअत करो, वाजिब है, ये वाजिब है। फिर हदीस मिली, लौला सुल्लिल हसन व हरबिल हुसैन लखरबतुद्दीन, अगर हसन सुलह ना करते, हुसैन जंग न करते, दीन खुदा बर्बाद हो गया, दीन खुदा बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता। उसी को वादे करने के लिए खुदा करा, कुल शैन हालकुन इल्ला दीनहु, हर शय को हलाक कर दूंगा, मेरा दीन बाकी रहेगा। तो खुदा कह रहा है मेरा दीन बाकी रहेगा। उधर अगर हसन सुलह न करते, हुसैन जंग न करते, दीन खुदा सफे हस्ती से मिट जाता, सफे हस्ती से मिट जाता, सिर्फ जोश खिताबत के तौर पर हका के बिना ला इलाज तो सैन मत बोलो। हां मसलिक दिया ख्वाजा अजमेरी ने, आप भी सुना दिया कि दी अस्त हुसैन दी पना, पना जो दे दे वो बड़ा, या जो चीज पना में आ रही है।
तो पता चला दीन भी खुद मोहताज हुसैन है, दीन भी खुद मोहताज हुसैन है। दीन पनाह ढूंढ रहा था, वो दीन जो मैदान गदीर में मुकम्मल हुआ, वो दीन जो मैदान गदीर में मुकम्मल हुआ, जिससे खुदा राजी हुआ, ऐसा दीन अपनी पनाह चाह रहा था, अपनी बगा चाह रहा था, अपनी इल्तका चाह रहा था, तो उस दीन को हुसैन मिले। जब हुसैन मिले, हुसैन जानते हैं इस दीन की बखा के लिए किस किस की जरूरत है, इस दीन की बखा के लिए किस किस की जरूरत है, किस किस की एहतियाज है। हर शय हलाक कर दूंगा, आजिज नहीं कह रहा है, कादर मुतलक कह रहा है, हर शय को हलाक कर दूंगा, सिर्फ मेरा दीन बाकी रहने वाला है। फिर एक और एक खौल मिला कि हमारे खुलूब मशत खुदा के जरफ है, हमारे खुलूब मशत खुदा के जरफ है। बस इसी पर आज की मेरी गुफ्तगू रहेगी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम लौला सुल्लिल हसन व हरबिल हुसैन लखरबदत दीन कुल कुल शैयन हालिकुन इल्ला दीनहू, हर शय को हराक कर दूंगा, सिर्फ मेरा दीन बाकी रहने वाला है। हमारे खुलूब कौल मासूम है, हमारे खुलूब मशत खुदा के जरफ है, हमारे खुलूब मशत खुदा के जर्ब हैं। बस बेदारियों का सबूत देते चले, इंशाल्लाह ताला एक एक मंजिल पर तुमको सकीना नजर आएगी। नहीं 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 नहीं, सब मिलकर दुरूद पढ़ो, बाबा से बलम पढ़ो, अतीउल्लाह व अतीउर मंजिल पर तुमको फजाइले सकीना नजर आएंगे, बदरजे बशर्ते के कामिल मुतवज्जे होकर सुने तो नजर आएगी। रसूल की इताअत हम पर वाजिब, मगर देखा यह जा रहा है कि रसूल खुदा की पुश्त पर हुसैन आए, तो खुदा कह रहा है अब हुसैन की मर्जी, किसकी मर्जी? हुसैन की मर्जी। अब रसूल खुदा कह रहे हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। पता चला दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, लाजिम और मलजूम है। अगर हुसैन न होते रसूल खुदा न होते। रसूल खुदा कह रहे हैं मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। अब यही हुसैन करबला में है। हुसैन जानते हैं दीन खुदा को बचाने के लिए किस किस की जरूरत है। हर चंद के फातिमा सोहरा मदीने में है, और यही फातिमा सोरा शहजादे अली असगर को अपनी आगोश में ले ली और कह रही है ठीक है बाबा, जिसकी भी आगोश में चला जाए मैं दे दूंगी। तमाम बीबियां, अरे मां की ममता मशहूर होती है, मां की ममता मशहूर होती है, यानी रबाब भी आगे बढ़ी। नहीं, फातिमा सोरा की आगोश नहीं छोड़ रहे हैं। जरूरत दीन खुदा को अली असगर कहते हैं, जरूरत दीन खुदा को अली असगर कहते हैं। तो चुनाचे जरूरत खुदा
ضرورت دین خدا کے کانوں میں آہستہ سے کچھ بولا. کاش کہ میرا کوئی جملہ تم رائے گا نہ ہونے دیتے, کوئی لفظ رائے گا نہ ہونے دیتے. دیکھو اگر 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 ذہنوں پر بوجھ ہے تو مجھے کوئی تمنا خواہش نہیں ہے سنانے کی, میں انہی کے سامنے سنانے کا عادی ہوں جو بیدار ہیں. ہاں یہ خاموشیوں کے عالم میں خدا کی قسم آج تک کوئی نہیں پڑھا, میں اس عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ سکینہ کیا ہے, عظمت سکینہ. مگر تم اس متانت کے ساتھ سنیں گے تو خدا کی قسم لطف کلام مجھے نہیں آئے گا, مجھے نہیں آئے گا, تم کو آیا ہوا کرے. صرف تنہا تم کو آنے سے کام چلنے والا نہیں ہے, مجھے لطف کلام آئے, مجھے لطف کلام آئے, مجھے لطف کلام آئے. تو چنانچہ ضرورت خدا, ضرورت دین خدا کے کان میں آہستہ سے کچھ بول دی. بولتے ہی علی اصغر ہمک کر, علی اصغر ہمک کر اپنے بابا کی آغوش میں آ گئے. قافلہ مکمل ہو گیا. قافلہ یعنی دین خدا کے لیے جن جن کی ضرورت تھی وہ جب تکمیل پا گئی. حسین نے کہا اب سفر کا آغاز کرو, اب سفر کا آغاز کرو. اسی سفر میں زینب بھی ہے, لیلا بھی ہے, رباب بھی ہے, سکینہ بھی ہے, فاطمہ کبرا بھی ہے. حسین جانتے ہیں کہ کس کو لے جاؤں, کس کس کی ضرورت ہے. چنانچہ چلی قافلہ چلا, پہنچ گیا کربلا, پہنچ گیا. حسین سب سے رخصت ہوئے, حسین سب سے رخصت ہوئے, سب کو آخری سلام کیا. شہزادی سکینہ کو بھی سلام, نہ صرف سلام زینب کے حوالے. یعنی حسین اپنے شریک کے حوالے کر رہے ہیں, شریکت الحسین کے حوالے. کیونکہ یہ کیوں زینب کے حوالے, ماں کے رہتے ہوئے, ماں کے رہتے ہوئے کیوں شریکت الحسین کے حوالے کی. وہ حسین جانتے ہیں سکینہ کو اگر قرار آتا ہے تو یا مجھ سے یا میری جو شریک ہے اس سے. حوالے کیا, سکینہ بھی بابا کو سلام کیا, خیمے کے باہر آئے. حسین ذوالجناح پر ہیں, جا رہے ہیں, جا رہے ہیں. ایک منزل پر ذوالجناح رکا, رکا ذوالجناح. حسین ذوالجناح سے مخاطب ہوئے. ذوالجناح زبانِ بے زبانی میں کہہ رہا ہے سوئے ادب ہے, سوئے ادب ہے. میں جانتا ہوں, جانتا ہوں صرف جنوں انس پر اطاعت اول الامر نہیں ہے, بلکہ ہر ہر ذرے پر اول الامر کی اطاعت واجب ہے. تو ذوالجناح کتنا عارف تھا, وہ جانتا ہے کہ اول الامر کا حکم ہے نہیں مگر سوئے ادب ہے, ایک قدم بھی آگے بڑھا دوں, قدم بھی آگے بڑھا دو. لفظوں کو بدلو, لفظوں کو بدلو. ایک سجدہ وہ ہوتا ہے جس میں پیشانی جھکائی جاتی ہے, مگر آج حسین, حسین سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کا سکینہ ہے, سجدہ کا سکینہ ہے. نگاہ حسین سجدہ ریز ہے. میں کہہ رہا ہوں خدا را, خدا را تم کو سکینہ کا واسطہ, تم کو عباس کا واسطہ. میں کیا کہہ رہا ہوں یہ سمجھنے کی کوشش کرو, سمجھنے کی کوشش کرو. یقیناً فضائل میں مصائب ہے مگر چند لمحوں کے لیے ذرا ضبط کر لو,
तक कर लो। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनो, इंशाल्लाह ताला जब मसाहिब का मौका आएगा मुझे मसाहिब पढ़ने की एहतियाज नहीं रहेगी। अगर मैं सिर्फ सकीना कह दूंगा तो तुम रो देंगे, सिर्फ सकीना कह दूं तो तुम रो देंगे। हुसैन की आंखें सजदा कर रही है और सजदगाह सकीना है। जैसे ही ये सजदा हुआ एक मर्तबा सकीना ने कहा उलुल अमर से नीचे उतरिए, नीचे उतर जाइए। उतर गए तो मैं कह सकता हूं, तवज्जोहात के साथ सुनो, ऊंचा जुमला कहने जा रहा हूं, तुम्हारी बेदारियां देखूंगा। मैं कह सकता हूं जुलजना से हुसैन नहीं उतरे, जुलजना से उलुल अम्र रसूल अल्लाह। करूं क्या मैं, करूं क्या? तुम हैबत में जवाब नहीं दे सके, घबरा गए तुम घबरा गए इसलिए कि मैं जब कहा अल्लाह तो तुम घबरा गए। अरे जाओ आदाब जियारत पढ़ो। फुरात पर जब नहाते हैं तो रसूल खुदा आवाज देते हैं अल्लाह की तरफ जाने वाले, अल्लाह की तरफ जाने वाले, अल्लाह की तरफ जाने वाले। पता चला हुसैन के पास जाना अल्लाह के पास जाना है। इख्तियारात सकीना ये है, इख्तियारात सकीना ये है कि दश्ते करबला में सकीना रसूल को भी बुला रही है, इमाम को भी बुला रही है, अल्लाह को भी बुला रही है। क्योंकि तो बाबेश्वर बाबा ने बुला नहीं। इससे ऊंचा जुमला कहूंगा, इख्तियारात सकीना सुनो, आज मुझसे सुनो। इख्तियारात सकीना क्या है? ये फख्र है मुझ पर, मुझे, मैं अपने पर फख्र कर रहा हूं क्योंकि बार बार सकीना कह रहा हूं इसीलिए फख्र कर रहा हूं। जैसे सकीना कह रहा हूं हुसैन को सुकून मिल रहा है, हुसैन को सुकून, इसीलिए मैं फख्र कर रहा हूं। इख्तियारात सकीना ये है, अब को भी रोक ले माबूद को भी रोक ले। आली 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 अल्लाह अकबरी। सो इख्तियारात सकीना अब्द को भी रोक ले, महबूब को भी रोक ले। अब्दियत की मंजिल में अब्बास है, अब्दियत की मंजिल में अब्बास है, महबूबियत की मंजिल में हुसैन है। चंद के उलुल अम्र पानी लाने की इजाजत दिया, हर चंद के उलुल अम्र पानी लाने की इजाजत दे चुका, मगर सकीना अपने इख्तियारात बता रही है कि उलुल अम्र इजाजत देने के बाद देखो इख्तियारात सकीना क्या है। एक मर्तबा अब्बास का दामन थाम लिया, नहीं अभी मुझे लुत्फ नहीं आया, अभी लुत्फ नहीं आया। हालांकि जीना बसीना एक से एक ऊंची बात कर रहा हूं, मुझे अभी लुत्फ नहीं आया। जिस वक्त के अब्बास जाहिर हुए, अगर इन मेरे जुमलों का भरपूर मावजा नहीं मिला तो यहीं पर जिक्र को तमाम कर रहा हूं।
यहीं पर जिक्र को मैं तमाम कर रहा हूं। हाँ, छोटी छोटी बातों पर नैजा उछलते हैं, नैजा उछलते हैं, जिसको कुछ बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता, उसकी बातों पर उछलते रहते हैं। सुनो, जिस वक्त के अली अली अब्बास को तलब किए, अल्लाह जानता है अली अब्बास को क्यों तलब कर रहे हैं, खुदा जानता है, क्योंकि दोनों के इरादे एक हैं, दोनों की चाहत एक है, दोनों की मशियत एक है, दोनों का चेहरा एक है, दोनों का चेहरा एक है, दोनों की आंख एक है, दोनों की जुबान एक है, दोनों की जुबान एक है। अल्लाह जानता है कि मेरा अब्द खास अब्बास को क्यों तलब कर रहा है, खुदा जानता था। यही सबब था, एक हाथ पर अलम, दूसरे हाथ पर मशकिला। अब्बास जिस वक्त जाहिर हुए हैं, एक हाथ पर अब्बास के शाने पर अलम था और एक शाने पर मश्क, दो चीजें देकर खुदा भेजा, दो चीजें देकर खुदा भेजा। तो पता चला वाकई करबला से कबल अलम इस्ताद खुदा किया है। ए मुफ्ती आने खाम, तुम अलम को बिदत कर रहे हो। अरे पहला अलम, पहला अलम खुदा इस्ताद किया, और खुदा जानता है ये अलम कहां इस्ताद करूं, कौन है अलम बरदार, कौन है अलमदार। यही सबब था कि अब्बास अपना शाना कटाए मगर अरब को गिरने नहीं दिए, अलम को गिरने नहीं दिए। हां, कि ये अलम खुदा का दिया हुआ है, ये अलम खुदा का दिया हुआ है, ये अलम खुदा का दिया हुआ है, और ये मश खुदा की दी हुई है, ये मश खुदा की दी हुई है। जब अब्बास खैमे से निकल रहे थे, जब अब्बास खैमे से निकल रहे थे, हुसैन अलम दिए, सकीना मश्क दिए। आली। सुनो, खौलना फैलना, अरे सब कुछ कह दिया हलालियों, खौलना फैलना, हमारा खौल हमारा फैल। अब यहां पर तो फैल रब्बानी था, अलम और मश्क फैल खुदा था, मगर अमली तौर पर फैली तौर पर सकीना देकर ये बता रही है हमारा फेल अल्लाह का फेल। हमारा फेल अल्लाह का फेल है। इमाम का फेल बुतों को गिराया, निस्बत खुदा से दी गई। अरे हुसैन चाहते तो अलम के साथ मश्क देते ना, बोलो जवाब तो हला लियो, मेरे साथ गुफ्तगू करो, क्या कहने जा रहा हूं मैं। जब हुसैन कह रहे हैं अब्बास पानी की सबील करो, तो पानी कैसे आएगा, मश्क
की जरूरत है, मश की एहतियाज है? नहीं, सिर्फ हुसैन ने कहा पानी की सबील करो, जर्फ देना सकीना के इख्तियारात में, जर्फ देना सकीना के इख्तियारात में, यानी तू जो यहां पर नक्श किया था, तू जो यहां पर नक्श किया था अमली तौर पर मैं दे रही हूं। तो पता चला एक फेल इमाम से हुआ, एक फेल उलुल अम्र से हुआ, एक फेल जो मनसब नहीं रखती, जो मनसब नहीं रखती उससे हो गया। मगर ये बता रही जैसे जैसे अगर दिल घबराए, जैसे दिल घबराए, 14 मासूम है, 14 में 13 साहिबाने मनसब है, मगर एक को मनसब नहीं दिया गया। मगर साहिबाने मनसब और गैर मनसब सब एक जा हो जाए तो तारुफ उसी से किया जाता है जिसके पास मनसब नहीं है। कह रहा हूं अलियो, जिसके बाद नई बात को वाजे करूंगा, पैगंबर इस्लाम के बदन में जौफ हुआ, इतनी मिल्क साहिल यमानी, बड़ी तेरी चादर तो ला, चादर ओढ़े, हसन आए सलाम किया दाखिल हो गए, हुसैन आए सलाम किया इजाजत ली दाखिल हो गए, अली वली आए सलाम किया इजाजत ली दाखिल हो गए, फातिमा सलाम की दाखिल हो गई, अरे सब दाखिल हो गए। जिब्राइल पूछ रहे कौन है इसमें, कौन है? तारुफ, तारुफ फातिमा से कराया जा रहा है। अब लफ्जों को बदलूंगा जो हैरत में डूबे हैं उनके लिए लफ्जों को बदल रहा हूं। पता चला मादे से तारुफ होता है, मादे से तारुफ होता है। अब तय करो सकीना का मादा क्या है, तय करो सकीना का मादा क्या है। उतर जाइए उधर, अब तो रोका अब्बास, अब है ना, इख्तियारात बता रही है सकीना। देखो ये करबला में भी हम दस दे रहे हैं, अब भी मौका है, संभलो हमारे आरिफो, हम क्या हैं, हमारी कदर मंजिलत क्या है, हमारी अजमत क्या है, हमारी अजमत क्या है। उतर जाइए, उलुल अम्र उतर गया, उलुल अम्र उतरा, सिर्फ तन्हा उलुल अम्र नहीं, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। उतर गए, लेट जाइए, लेट जाइए। जो जायरीन है वो गवाही देंगे, बताओ मुझे मुकाम सकीना से खैमगा कितनी दूर है, खैमगा कितनी दूर है। ये कह सकते थे हुसैन, यहां बेटी खैमे में चल कर लेट जाऊंगा, नहीं नहीं, जिस तरह के पैगंबर इस्लाम मुसल्ले पर थे वही हुसैन पुष्प पर आए, खुदा वही हुक्म दिया, खुदा वही हुक्म दिया सर नहीं उठाना। अब सकीना अपने इख्तियारात बता रही है, ले जाइए, लेट गए, लेट गए, कौन लेटे? हुसैन लेटे, कौन हुसैन, कौन हुसैन जो नबूवत पर चलता था। आले आले आले, अरे खुदा रहा, अरे कोई जुमला जाय मत होने दो, कितने बार कहूं, नबूवत पर नहीं, लफ्जों को बदलूंगा तुम्हारी घबराहटों को और बढ़ाने, जो नबूवतों को रौंदता था, जिसका मुकाम मुकाम इलाह है, जिसका मुकाम मुकाम इलाह है। पता चला इमाम अल्लाह के मुकाम पर बैठता है, इमाम अल्लाह के मुकाम पर बैठता है, इमाम
रसूल के मुकाम पर बैठता है। इमाम कभी नबी नजर आता है, इमाम कभी अल्लाह नजर आता है। उस पर जो बैठ जाए उसको सकीना। रसूल की जान बचाने के लिए इमाम की जरूरत है। रसूल की जान बचाने के लिए इमाम की जरूरत है। खुदा के दीन को बचाने के लिए सकीना। और दीन वअस्लुद्दीन वहुवा रजुल, दीन असल दीन क्या है? एक रजुल को कहते हैं, उस रजुल को इमाम कहते हैं। इमाम बेदार है, सकीना सो रही है। सकीना सो रही है, सकीना जानती है कब उठूं। सकीना नहीं, मुझे अभी लुत्फ नहीं आया। सकीना कहां सो रही है? हमारे खुलूब, हमारे खुलूब मशियत खुदा के ज़र्फ है। ज़र्फ पर मज़रूफ का इतलाक होता है, ज़र्फ पर मज़रूफ का इतलाक होता है। खुदा को शिर्क बर्दाश्त नहीं है, खुदा को शिर्क बर्दाश्त नहीं है। मगर हुसैन का यह कहना कि मैं सकीना को चाहता हूं, चाहत का ताल्लुक कल्ब से है, तो पता चला जहां मशियत खुदा रहती है, जहां मशियत खुदा रहती है वहां पर सकीना का ख्याम होता है। सब मिलकर दुरूद का तौबा पेश करें। हमारे खुलूब, हमारे खुलूब मशियत खुदा का ज़र्फ है। अब ये तलाश करो कि मशियत खुदा क्या है। मशियत खुदा, खुदा की मशियत क्या क्या थी? खुदा की मशियत, जो जो भी खुदा की मशियतें हैं वो तमाम की तमाम इस कलम में हैं, हैं। मगर हुसैन अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। वहां हुसैन की मर्जी थी, उस सजदे में हुसैन की मर्जी थी, करबला के दश्त में सकीना की मर्जी है। वाक़ियाते करबला पढ़े, वाक़ियाते करबला में मिल जाएगा कि कौन कौन हुसैन की नुसरत करने के लिए आए, कौन कौन हुसैन की नुसरत। नहीं कहा नहीं, किसी की नुसरत मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं जानता हूं दीन खुदा के लिए मैं हर एक को मोहसिन नहीं बनाता। आले 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 आले, हर एक को मैं दीन खुदा का मोहसिन नहीं बनाता। तो मैं कह सकता हूं लफ्जों लफ्जों की कदर करो, मैं कह सकता हूं सकीना का एहसान मंद खुदा है। दो अब फतवे दो,
سارے باب الیقین پر اب فتوے لگاؤ، کفر کے فتوے لگاؤ، جو چاہے لگاؤ، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میں اپنا عقیدہ، کیونکہ ایک واقعہ ذہن میں ہے، ایک واقعہ ذہن میں، جب روٹیوں کو ہاتھ لگ جائے، جب روٹیوں کو ہاتھ لگ جائے، خدا جنت دینے کے بعد رہنا کافی ہے، اے فاطمہ میرا شکریہ، خدا کا دین بچانا خدا کے ہاتھ میں تھا، ہر شے کو ہلاک کر دوں گا، میرا دین باقی رکھوں گا، میرا دین باقی رکھوں گا، میرا دین باقی رکھوں گا، مگر دیکھا یہ جا رہا ہے اس دین کی بقا کے لیے سکینہ کی ضرورت، سکینہ کی ضرورت ہے، اسی لیے میں احسان مند کا لفظ استعمال، یاد رکھو جو صفات ہے وہ افعال ہے، وہ ذات ہے، خدا کا مظہر ہو، جو صفات ہو، ذات ہو، افعال کا جو مظہر ہو، اس کا بستر سکینہ، رحمان و رحیم و ستار و غفار کا بستر ہو، اللہ کا تکیہ ہو، اس پر سکینہ کا سر ہوتا ہے، اس پر سکینہ کا سر ہوتا ہے، یہ ہے عظمت سکینہ، یہ ہے اختیار سکینہ، اولو الامر، اولو الامر جس کی اطاعت خدا کرتا ہے، حلالیو جاگو جی بیدار رہو، امام وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت خدا کرتا ہے، جس کی اطاعت خدا کرتا ہے، ایسا امام، ایسا امام سکینہ کی اطاعت کرتا ہے، جب امام سکینہ کی اطاعت کر دے، جب امام سکینہ کی اطاعت کر دے، خدا پر بھی واجب ہو گیا، کیونکہ ان کا فعل نہیں ہے، ان کا فعل مشیت رب خود یہ چاہتی تھی اطاعت سکینہ میں اتر جاؤں، مشیت رب خود چاہتی تھی اطاعت سکینہ میں اتر جاؤں، اتر گئے، بیٹی اب کیا کہنا چاہتی ہے، لیٹ جائیے، لیٹ گئے، میں سونا چاہتی ہوں، سو گئے، سکینہ جانتی ہے، علی بھی جانتے تھے کہ کب بیدار ہوں اور کب سوؤں کہ پیغمبر بچ جائے، بستر احمد پر سونا اور ہے، بستر احمد پر سونا اور ہے، امام کے سینے پر سونا اور ہے، کون ہے امام، امام کون ہے، امام کلمۃ اللہ ہے، امام حجت اللہ ہے، امام حجت اللہ ہے، امام مشیت اللہ ہے، امام ارادت اللہ ہے، امام رحمان ہوتا ہے، امام رحیم ہوتا ہے، امام ستار ہوتا ہے، امام غفار ہوتا ہے، امام جبار ہوتا ہے، امام مہیمن ہوتا ہے، امام کریم ہوتا ہے، امام عادل ہوتا ہے، امام بعض حالات میں اللہ ہوتا ہے، امام بعض حالات میں اللہ ہوتا ہے، یہ تمام صفات کا جو حامل ہوتا ہے وہاں پر اختیارات سکینہ چلتے ہیں، کیا سنی ہوئی بات تھی،
ये बातें सुनी हुई थी, ये खामोश क्यों बैठे हैं? सब मिलकर के उसका तोहफा पेश करो। अल्लाह अकबर। अली जानते हैं कब उठूं, अली जानते हैं कब उठूं कि रसूल की जान बच जाए। सकीना जानती है कब उठूं कि दीन खुदा बच जाए, दीन खुदा बच जाए। एक मरतबा रसूल खुदा आकर ये कह रहे हैं, बेटी अब छोड़ दे, बेटी छोड़ दे। अल्लाह अकबर। देखो ये सिनो साल के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि इनके घर का छोटा और बड़ा सब एक होता है। सगीर होना वो कबीर होना सिवा, हमारा छोटा और बड़ा सब एक है, सब एक है। रसूल खुदा आकर कह रहे हैं बेटी छोड़ दे, क्यों? मैं मिलना चाहता हूं। ओफो अल्लाह रे अजमत। यानी रसूल खुदा जब मुलाकात करना चाहते, सकीना अपनी ख्वाहिश को रखते हुए, नहीं अब मेरी ख्वाहिश नहीं, अब यहां से सकीना ये बता रही है, देखो वातीउर रसूल क्या होता है। याली 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 याली, अरे देखो इतना सब कुछ कहने के बाद फिर बच रहा हूं, फिर मैं बचते हुए गुफ्तगू कर रहा हूं कि हर नफ्स नफ्स की तरफ जज्ब होता है, नफ्स नफ्स की तरफ जज्ब होता है। ये जो सो रहा था वो सिर्फ नफ्स पैगंबर नहीं, नफ्स खुदा। तो खुदा की भी ख्वाहिश हुई कि अब हुसैन मुझसे मिले, हुसैन मुझसे मिले। रसूल की भी ख्वाहिश हुई, रसूल की भी ख्वाहिश हुई हुसैन मुझसे मिले। जैसे ही सकीना को इरादे रब, ख्वाहिश रब, वो इरादे रसूल, वो ख्वाहिश रसूल का इजहार हुआ, सकीना ने कहा ए उलुल अम्र अब आप जा सकते हैं, ए उलुल अम्र अब आप जा सकते हैं, जाइए। खुदा हाफिज। इमाम वाकिफ है मगर इमाम का यह सवाल करना, बेटी क्या हुआ? हमको दर से मारिफत देने के लिए है कि नहीं? नाना आए थे, दादा भी आ गए, कह रहे हैं बेटी अब छोड़, अब छोड़ दे सकीना, छोड़ दे। मगर जिस वक्त के सकीना इमाम के सीने पर सोई है, इमाम के सीने पर लेटी थी, उस वक्त हुसैन का सीना जख्मी नहीं था, हुसैन का सीना छन्नी छन्नी नहीं हुआ था। सकीना अपने बाबा के सीने को देख रही है, सकीना अपने बाबा के सीने को देख रही है, कोई जख्म नहीं है, अभी कोई जख्म नहीं है, सीना छन्नी छन्नी। काश के तुम पहुंच जाते। छन्नी किसको कहते हैं? छन्नी किसको कहते हैं? मख्तल में लिखा है, मख्तल में लिखा है कि हुसैन का सीना ऐसे हो गया था कि गर्म गर्म हवा
शुमाल से निकल कर जुनूब की तरफ जाती थी, इसको कहते हैं छन्नी छन्नी। अल्लाहु अकबर। हाजरकुम अलल हुसैन, हाजरकुम अलल फातिमा। वैसे तो मसाहिब की एहतियाज नहीं है, मसाहिब की एहतियाज नहीं, मसाहिब की जरूरत नहीं है। इतने फजाइल सकीना पढ़ा हो, इतने फजाइल सकीना सुनाया हो, यही रोने के लिए काफी है। हाय, इस सकीना के साथ ये जुल्म हुआ। जिस वक्त के सकीना अपने बाबा को जुलजनाह से उतारी है, और हुसैन सकीना को देख रहे हैं, सकीना के रुखसार पर कोई उंगलियों के निशान नहीं है। हुसैन जब सकीना को देख रहे हैं, हुसैन जब सकीना को देख रहे हैं, वही बूंदे हैं जो हुसैन ने पिलाया था। बेटी बाप को हसरत भरी निगाह से देख रही है, और बाप बेटी को बड़े हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, मगर बाप इस यकीन के साथ देख रहा है, जैसा मैं सकीना को छोड़ रहा हूं, अरे ये शाम पहुंचने तक ऐसी नहीं रहेगी। अल्लाहु अकबर। हाजरकुम अलल हुसैन, हाजरकुम अलल फातिमा। औलाद के गुजर जाने का एहसास, औलाद के गुजर जाने का एहसास उसी को हो सकता है जिसकी औलाद है। अरे काश इस वक्त हमारे कानों पर से हिजाब उठ जाए तो तुम रबाब की आवाज सुन सकोगे कि रबाब कैसे धारे मार मार कर। जैसी सकीना को छोड़ रहा हूं, जिस हालत में सकीना को छोड़ रहा हूं, आए करबला से कूफा, कूफे से शाम पहुंचने तक फिर मुझे ऐसी सकीना नहीं मिलेगी, ऐसी सकीना नहीं मिलेगी। और जिस तरह से कि सकीना अपने बाबा को जिस हाल में छोड़ी थी, उस हाल में हुसैन भी मिलने वाले नहीं है। यही तो सबब था कि जब हुसैन के सीने पर भाला मारा गया, हुसैन के सीने पर भाला मारा गया, तुम्हारा हुसैन घोड़े पर संभल नहीं सका। और मैं भी आज मसाहिब पढ़ना चाहता हूं, मैं भी आज मसाहिब पढ़ना चाहता हूं, और तुमसे भी यही ख्वाहिश है, तुमसे भी यही ख्वाहिश है, इख्तिताम मजलिस तक मुसलसल क्रिया करते रहे। आज जैसे ही हुसैन घोड़े से जमीन पर आए,
زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، میرا ماں جایا گھوڑے پر نظر نہیں آیا ہے، حسین گھوڑے پر نظر نہیں آ رہے ہیں، ایک مرتبہ زینب چادر ڈالے ہوئے خیمے کے باہر آ گئی، خیمے کے باہر جیسے ہی زینب باہر آئی پیچھے پیچھے سکینہ آنے لگے، پیچھے پیچھے سکینہ آنے لگے، زینب نے مڑ کر دیکھا سکینہ آ رہی ہے، بیٹی بیٹی میدان میں بچے نہیں جاتے، بیٹی میدان میں بچے نہیں جاتے، جواب سکینہ سنو، جواب سکینہ سنو، سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں جب دادا کے سر پر ضرب کاری لگی تھی سچ بتائیں آپ کہاں تھی، آپ کہاں تھی، بیت الشرف کے در پر آ گئی تھی نا، ابھی آپ کا بابا زندہ تھا، ایک ضرب، ارے میرا بابا با محمد ماتم کرو، یہاں پھر ایک جملہ کہوں گا، کاش تمہاری آنکھوں سے اگر حجاب اٹھ جائے تو تم عباس کو دیکھو گے کہ عباس کیسے تڑپ رہا ہے، اللہ اکبر، نہیں سن سکو گے سکینہ کے مصائب، نہیں سن سکو گے، ابھی تو میں کربلا کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، ابھی تو میں کربلا کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، تمہارا یہ حال ہو گیا، ہائے سکینہ چلی، زینب بھی چلی، سکینہ کو اس کا بابا ملا، سکینہ کو بابا مل گیا، سکینہ کا کیا عمل ہے، سکینہ اپنے بابا کے ادلا پھر رہی ہے، اپنے بابا کے اطراف پھر رہی ہے، ایک مرتبہ حسین نے پوچھا بیٹی کیا طواف کر رہی ہے، بیٹی کیا طواف، نہیں بابا، بابا سینہ تلاش کر رہی ہو، با محمد با خلت ناصرہ، بابا میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک آخری بار آپ کے سینے پر لیٹ جاؤ، مگر بابا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں تیر نہیں ہے بابا، جہاں تیر نہیں ہے بابا، ہر رونے والوں ارے تمہارے حسین کی غربت، تیر نکالنا شروع کیا، تیر نکالا، کہا سکینہ آ جا، اللہ اکبر، سکینہ آ جا، سکینہ کو اپنے سینے پر، بس زحمت کو تمام کر رہا ہوں، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹا لیے حسین، اسی اسنا میں شبر آگے بڑھا اور شبر حسین سے پوچھنے لگا بتاؤ یہ بچی کون ہے، آلی 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 ماتم کرو، یہ بچی کون ہے، حسین نے کہا اے شب، یہ شب اس حالت میں کون آ سکتے، یہ میری بیٹی سکینہ ہے، تو شبر کہتا ہے اے حسین اس کو تم ہٹاؤ گے یا میں ہٹاؤں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ مصائب چھوڑ رہا ہوں، اے رونے والوں شبر سکینہ کے بال پکڑا، پھینکا حسین کے سینے پر سوار اور ہاتھ میں خنجر، حسین کا گلا تن سے کاٹنے لگا، سکینہ یتیم ہو گئی، سکینہ کو یتیمی کا پرسا تماچوں سے دیا جا رہا ہے، سکینہ کے گوشوارے چھینے،